हम पढ़ रहे थे वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। वेरियस थ्योरीज इसमें से हमने फर्स्ट टाइप की जो थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप की जो थ्योरी है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के बारे में हमने चर्चा की थी, इसमें हमने चर्चा की थी कि ट्रेडिशनल थ्योरी इन तीन चीजों के साथ होती है। इसमें हमने मेजर टू थिंकर्स पढ़े थे कि कौन से थिंकर जो है जो फिलोसफर जो है इसका इस पर फोर्स करते हैं या इसको मानते हैं। उसमें हमने चर्चा की थी कि जेस मिल है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, बैकम है, ई एम ग्रीन है, मॉन्टेस्क्यू है, अब्राहम लिंकन है, ये सब जो है इस थ्योरी को मानते हैं। सेकेंड हमने बात की थी ये जो है इसकी मैजिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो हमने ये बात की थी कि ये मान के चलती है तो फर्स्ट द मैन इज द इंटेलिजेंट क्रिएचर, आदमी एक जो है समझदार प्राणी है, ठीक है, और वो विवेक से निर्णय लेता है। सेकेंड ऑल इंडिविजुअल ऑफ द नेचुरल इक्वल, सारे लोग जो हैं वो प्राकृतिक रूप से समान होते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं होता। थर्ड हमने जो चर्चा की थी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीव इन द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये विचारधारा एक संविधान में विश्वास रखती है, उदारवादी संविधान में विश्वास रखती है, ठीक है। चौथी हमने जो चर्चा की थी, चौथी विशेषता जो इसकी थी, द गवर्नमेंट इज द मीन ऑफ ट्रस्टी ऑफ द पॉलिटिकल बॉडीज एंड पॉलिटिकल पावर, यानी वास्तव में पावर जो है वो गवर्नमेंट पब्लिक के हाथ में होता है। गवर्नमेंट केवल एक ट्रस्टी है, ट्रस्टी मतलब एक संयुक्त मिला हुआ कार्य है जो मिलकर के जो है कार्य करते हैं। इसके अलावा हमने और भी बात की थी कि द ट्रेडिशनल थ्योरी बिलीव इन द फ्रीडम एंड राइट्स, यानी वह स्वतंत्रता और अधिकारों में विश्वास रखती है। और ये इसके अलावा सिक्स प्योर में जिसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक पड़ी थी इंडिपेंडेंट एंड इंपीरियल वोटिंग, यानी समय समय पर चुनाव में विश्वास करती है। और द गवर्नमेंट शुड बी रेस्पेक्ट पब्लिक वोटिंग, यानी जनता का सम्मान सरकार को करना चाहिए। तो ये सब चर्चाएं जो हमने की थी इसके बारे में, इसके अदर नाम भी पढ़े थे हमने, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी को वेस्टर्न थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, और इसे कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में हमने इससे चर्चा कर ली थी। अब हम सेकंड थ्योरी पढ़ते हैं, द प्लूरिस्टिक थ्योरी एंड कंसेप्ट। प्लूरिस्टिक थ्योरी को भी हमने संक्षिप्त चर्चा कर ली थी। प्लूरिस्टिक थ्योरी यानी बहुलवादी सिद्धांत, इसके अंदर हमने चर्चा करी थी प्लूरिस्टिक थ्योरी क्या है। लेकिन प्लूरिस्टिक थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं बहुलवादी सिद्धांत, क्या बोलते हैं बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन, तो बहुलवादी सिद्धांत का मतलब हो गया कि ये जो विचारधारा ये मान के चलती है कि केवल एकमात्र राज्य ही सब कुछ नहीं, राज्य के अलावा भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिससे मनुष्य जुड़ा हुआ है और जो मनुष्य के कल्याण के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसके अलावा इस थ्योरी को कौन कौन मानिए, राज्य की कई संस्थाओं की तरह एक संस्था है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑल अदर सोसाइटी अदर कंपनीज, यानी दूसरी कंपनियों या सोसाइटी की तरह है, राज्य की एक संस्था है और उसका भी हमें पालन करना चाहिए। फर्क इतना है कि बाकी संस्थाएं छोटी होती है जबकि राज्य एक बड़ी संस्था, ठीक है। इसके जो मेन फिलोसफर है, कौन कौन से फिलोसफर इस पर विश्वास करते हैं, इसकी जो मानते हैं, तो प्लूरिस्टिक थ्योरी में विश्वास करने वाले जो मुख्य विद्वान हैं
वो है एच जे लास्की, एच जे लास्की। एच जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर ने मिस फोलेट जीडीएच फोर और विलियम डिग्री तो ये विद्वान हैं, ये फिलोसफर ऐसे हैं जो प्लूटिस्टिक थ्योरी में विश्वास रखते हैं, बहुलवादी सिद्धांत में, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को मानते हैं। कौन कौन से याद रखना है नाम, इसमें तो कोई दो नाम पूछते हैं, एक तो एच जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फोलेट, जीडीएच फोर, डिग्री। तो इनमें से कोई भी दो विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं जो बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। अब ये किस चीज पे विश्वास रखती है, बिलीव इन द बहुलवादी सिद्धांत किस पे विश्वास रखता है, द फेडरल फॉर्म ऑफ द सोसाइटी, यानी ये जो विचारधारा है मान के चलती है फेडरल फॉर्म ऑफ द सोसाइटी से समाज का ही बहुत बड़ा रूप जो है राज्य है। राज्य क्या है एक्चुअल में, जिस तरह मनुष्य अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है, सबसे पहले अपने परिवार से जुड़ा होता है, अपने गांव से जुड़ा हुआ होता है, अपने समाज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसी तरह अन्य जो संस्थाएं हैं उसी तरह राज्य की एक बड़ी संस्था है, ठीक है, तो इसलिए राज्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। ये विचारधारा मान के चलती है कि ये राज्य जो है वो समाज का ही एक बड़ा रूप है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस कोरिडोर डन बाय एचजे लास्की, तो जिसने इन विचारधारा को दिया था वो प्रमुख विद्वान ये। अब ये किसमें विश्वास करती है कि फेडरल फॉर्म ऑफ द सोसाइटी यानी समाज का बहुत बड़ा रूप जो है वो राज्य है, ये तो इस चीज को मान के चलती है, ठीक है। According to Robert Perkins, दो विद्वान हैं जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा विद्वान जो है महत्व दिया है, और इनमें से एक जो विद्वान है वो है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ही अटेम्प्ट टू एड्रेस प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी एज ओलिगार्की, वो क्या कहते हैं कि प्लूरिस्टिक थ्योरी है, प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी है, इस एज पोलर ओलिगार्की, यानी प्लूरिस्टिक थ्योरी ही जो है वो एक तरह से क्या होते हैं ओलिगार्की, या इसका मतलब हो गया कि वो एक तानाशाही तरीके से शासन करती है, राज्य क्या कर रहा है तानाशाही तरीके से शासन करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और विद्वान हुए हैं जो बहुलवादी सिद्धांत में प्लूरिस्टिक थ्योरी देते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट पियर्स। रॉबर्ट पियर्स ये मानते रहते हैं द प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज अ सच सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या मानते चलती है इसको सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। ओलिगार्की थ्योरी वाले जो विद्वान हैं ये
कम्युनिस्टिक थ्योरी के मान के चलते हैं, वो कह रहे हैं कि राज्य की क्या है, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है यानी सामाजिक और राजनीतिक संस्था है। अन्य संस्थाओं की तरह राज्य भी एक सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। इन विच मेनी प्राइवेट ग्रुप्स, जिसके अंदर कई तरह के प्राइवेट ग्रुप होते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, मनुष्य कई संस्थाओं से जुड़ा होता है, कई ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसी तरह राज्य से जो एक ग्रुप के रूप में जुड़ा होता है, राज्य कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है, बल्कि अन्य संस्थाओं की तरह राज्य भी एक संस्था है जिसमें व्यक्ति का जुड़ा होना आवश्यक है, लेकिन इतनी बड़ी संस्था नहीं, ठीक है। तो वो एक सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है, सामाजिक राजनीतिक जो है व्यवस्था है, सिस्टम इन विच मेनी प्राइवेट ग्रुप्स एंड बेनिफिशियरी ग्रुप्स। मनुष्य कई निजी संस्थाओं से जुड़ा होता है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा होता है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा होता है, तो उसी तरह राज्य से भी वो एक तरह अन्य संस्थाओं की तरह जुड़ा हुआ होता है। और पार्टी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट्स, इसलिए राज्य से सरकार को, राज्य से उसको फायदा होता है, इसलिए वो भी अन्य संस्थाओं की तरह राज्य से जुड़ा हुआ होता है। तो प्लुरलिस्टिक थ्योरी एक्चुअल में मान के चलती है कि राज्य अन्य संस्थाओं की तरह ही एक ऐसी संस्था है जिसका पालन व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। राज्य कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है, बल्कि जिस तरह व्यक्ति की अन्य संस्थाओं से, अपने धार्मिक संगठनों से जुड़ा होता है, ठीक है, सामाजिक संगठनों से जुड़ा होता है, उसी तरह राज्य से भी कोई जुड़ा हुआ होता है। सो द स्टेट इज द सोशल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी राज्य जो है सामाजिक राजनीतिक संस्था है, अन्य प्राइवेट संस्थाओं की तरह राज्य से भी व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। तो आपको इसमें याद रखना है प्लुरलिस्टिक थ्योरी देने वाले विद्वान कौन कौन से थे, एनसी दास की है, अनीश बाकर है, अनीश कॉलेज है, जीडीएच कॉल है, डिग्री है, तो ये सारे विद्वान प्लुरलिस्टिक थ्योरी में विश्वास रखते हैं। तीसरी जो है, तीसरी जो सिद्धांत है थ्योरी जो है, द एरिस्टिक थ्योरी। एलिस्टिक थ्योरी, एलिस्टिक थ्योरी का मतलब देखिए, एलिस्टिक क्या होता है, ये विद्वान है, पहले तो हम बात करेंगे कौन कौन से इस समकक्ष जो विद्वान है वो कौन कौन से हैं। पहले पहले फिलोसफर की बात करें, जो इस एलिस्टिक थ्योरी में विश्वास करते हैं, ठीक है, ये मानने वाले जो है आपको याद रखना है, रॉबर्ट बिचेस, रॉबर्ट मिचेल, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी फ्राइड मिल्स, सी राइट मेल्स, ठीक है, ये लोग इस फिलोसफर हैं जो एलिस्टिक थ्योरी में विश्वास रखते हैं। कौन कौन से फिलोसफर दार्शनिक हैं, कौन कौन से विद्वान हैं जो एलिस्टिक थ्योरी में विश्वास रखते हैं, तो मेजर थिंकर पूछ लिया जाए या फिलोसफर पूछ लिया जाए जो एलिस्टिक थ्योरी को मानते हैं, तो उसमें आपको नाम लेना है रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम और सी राइट मिल्स, ठीक है। तो एनालिटिक्स एलिस्टिक थ्योरी एक्चुअल में है क्या, द मेजर फिलोसोफर हु प्रमोट टू दैट दिस थ्योरी, द रॉबर्ट बिचेस, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स, ठीक है। अब उसमें से सबसे ज्यादा जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है वो है रॉबर्ट बिचेस, रॉबर्ट मिचेल्स की स्टोरी को दिया, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे, कौन से देश के थे, जर्मनी,
रॉबर्ट मिचेस जो कि एक जर्मन के दार्शनिक थे, वो उन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज को जो है प्लास्टिक थ्योरी में वो विश्वास करते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रॉबर्ट मिचेस की एक पुस्तक है जिसका आपको नाम याद रखना है, द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिचेस ने अपनी कौन सी पुस्तक में आइडेंटिटी थ्योरी दी है? क्वेश्चन आएगा विच बुक्स इंक्लूडेड द रॉबर्ट मिचेस हु फर्स्ट तो आइडेंटिटी थ्योरी, कौन सी बुक में रॉबर्ट मिचेस ने जो है आइडेंटिटी थ्योरी दी है उसमें आपको याद रखना है कौन सी, द पॉलिटिकल पार्टी। या पूछा जाए फॉर द पॉलिटिकल पार्टी कौन से विद्वान की बुक है, Who are the author of the political parties? तो उसमें आएगा रॉबर्ट मिचेस। या रॉबर्ट मिचेस के कौन सी पुस्तक में जो है एलिस्टिक थ्योरी दी है, तो आपको याद रखना है द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसके अलावा एक मॉस्कर जो है उन्होंने भी ये थ्योरी दी है। मॉस्कर वो जो इटेलियन इटेलियन स्कॉलर मॉस्कर नाम पे थे, इटली के नाम पे, इटली के विद्वान थे। ठीक है, और उन्होंने जो एक बुक लिखी है उनकी बुक का नाम है द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास किसकी बुक है, मॉस्कर। और द पॉलिटिकल पार्टी किसकी बुक है, रॉबर्ट मिचेस। देखिए आपको बुक का नाम याद रखने हैं क्योंकि एक नंबर का प्रश्न आएगा कि बुक ये किसने लिखी, तो तीन प्रश्न तैयार हो गए। द बुक फोर्स द विच थिंकर्स फोर्स द आइडेंटिटी थ्योरी, कौन से विचार विद्वानों ने या दार्शनिकों ने एलिस्टिक थ्योरी को दिया, तो आपको ये चार नाम याद रखने हैं, रॉबर्ट मिचेस, मॉस्का, पेरेटो, मनहम और सी राइटर्स। पहला क्वेश्चन ये। फिर रॉबर्ट मिचेस जिन्होंने सबसे ज्यादा पहले इसकी परिभाषा दी थी, पर इसके पर कोर्स किया था, जो कि जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने कौन सी बुक में ये विचार दिए हैं, तो आपको लिखना है द पॉलिटिकल पार्टीज, रॉबर्ट मिचेस की बुक। और मॉस्का उन्होंने जो इटेलियन स्कॉलर थे उन्होंने दिया है कौन सी बुक में दिया था, रूलिंग क्लास। ये थ्योरी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन जो है एक नंबर वो आपके इम्पोर्टेंट है कि किसने ये सिद्धांत दिया। अब अगर इसको आप समझना चाहें तो एलिस्टिक थ्योरी है क्या, एलिस्टिक एलिस्टिक को कहते हैं बहुजन, हिंदी में कहते हैं बहुजन, अभिजन, सॉरी अभिजन का मतलब होता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं। एलिस्टिक का मतलब क्या होता है, एलिस्टिक एलिस्टिक मतलब होता है समाज में वो व्यक्ति जो ऊंची प्रतिष्ठा के लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो पैसे में संपन्न होते हैं, या जो बड़े पदों पर लोग होते हैं, विद्वान है, कोई नेता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, इन सबके पास ये अपने पद और अपने संपत्ति के दम पर क्या करते हैं, ऊंचे पदों को प्राप्त करते हैं, वो बड़े पदों पर वही जाते हैं और वही शासन करते हैं। तो एलिस्टिक थ्योरी के विद्वान क्या मानते हैं कि हमेशा समाज में शासन करने वाला कौन है, अभिजन है। यानी कुछ जो लोग हायर पद के लोग होते हैं, उच्च लोग जो होते हैं, तो रूलिंग क्लास कौन है, रूलिंग क्लास है हमेशा समाज में पैसे वाले लोग, बड़े पदों पर बैठे वाले लोग, तो उन्हीं के पास पैसा होता है और लोकतंत्र में वही चुनाव लड़के जीतते हैं और वो शासन करते हैं। कोई गरीब आदमी लोकतंत्र में शासन नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास बेचारे के पास बड़े पद पर पहुंचने की ताकत ही नहीं, ना पैसा है चुनाव लड़ने का। तो ये जो थ्योरी है वो मान के चलती है कि समाज में हमेशा अभिजन जो लोग हैं, जो समाज के कुछ हायर जो लोग हैं, जो किसी भी दृष्टि से आए हैं बुद्धि में या रुपये पैसे में, वही हमेशा समाज में शासन करते हैं। तो थ्योरी इम्पोर्टेंट है, आपको केवल ये याद रखना है कि कौन कौन से विद्वानों ने जो थ्योरी दी है, रॉबर्ट मिचेस, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम, ठीक है,
और कौन सी पुस्तक में दिया है, रॉबर्ट चेंज ने द पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, मॉस खान ने आपको पुस्तक द रूलिंग क्लास में दिया है, ये थ्योरी दी। ये थ्योरी क्या मानती है, द रियलिस्टिक सेक्शन इज द बेस ऑफ द एंटायर रीजन, तो दिस थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये थ्योरी एलास्टिक थ्योरी देने वाले विद्वान ये। चौथी प्रकार की जो थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी यानी मार्क्सवादी विचार। तो हमने बात की थी कि ये विचार दिया है कार्ल मार्क्स। लेटर फिलोसफर आपको पूछा जाए कौन से फिलोसफर ने दी है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, और एक और विमान है उसके साथ साथ फ्रेडरिक एंजल्स। इसमें आपको दो ही विद्वान याद रखने हैं जो जिन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी दी, एक तो कार्ल मार्क्स, मार्क्स के विचारों के कारण ही जो उसके अनुयायी कह रहा है वो तो मार्क्सवादी कह रहा है, मार्क्सिस्ट कह रहा है। तो कार्ल मार्क्स दुनिया में एक सबसे बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनके विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। उन्होंने साम्यवाद की जो हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट थ्योरी दी, साम्यवादी विचारधारा दी। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ये दोनों मित्र भी थे और उन्होंने जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी दी। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या करती है, ये एक अलग की फॉर्म है, ये अलग ही मान की चलती है, ये डेमोक्रेसी के अलग अलग ज्ञान की चलती है। ये डेमोक्रेसी को पीपल डेमोक्रेसी मानते हैं, इसके अलावा अगर आप बात करें इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में देने वाले जो विद्वान हैं उनके भी नाम याद रखने हैं, लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग, माओ से तुंग। इन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को, ये सब नहीं अपने अपने देशों के बहुत बड़े शासक हुए हैं। ठीक है, जर्मनी के किसी ने जर्मनी में शासन किया, किसी ने इटली में शासन किया। ठीक है, ये इन्होंने मार्क्स की थ्योरी को जो है रियल में अपनाया, अपने देश में अपनाया। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स के अब इस थ्योरी को पढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्सिस्ट थ्योरी कहते हैं। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी मान के चलती है कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक तो पावरफुल जो ग्रुप होता है जिसके पास पैसा होता है और एक गरीब वर्ग होता है, और इन दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता है और जीतता कौन है, हमेशा पैसे वर्ग। ठीक है, और उन्हीं के हाथ में सारी शक्ति या सत्ता होती है। द रिचेस्ट पर्सन रूल ऑल ओवर द कंट्री, जो संपन्न व्यक्ति है वो ही शासन करते हैं। ठीक है, समाज में दो वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, यानी पूंजीपति वर्ग और पूंजीहीन वर्ग। तो इन दोनों वर्गों में पूंजीपति क्या करते हैं, पूंजीहीन का शोषण करते हैं। ठीक है, और इसी तरह पूंजीपति अन्य पदों पर आपको जो है अपने आप को जो है प्राप्त करते हैं, यानी बड़े पदों पर वही जाते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने थ्योरी दी थी मार्क्सवाद, और उन्होंने कहा था इसके बाद क्या होगा, जब ज्यादा शोषण होने लगता है गरीबों का तो गरीब एक होकर के और उन सारे संपन्न व्यक्ति जो पूंजीपति वर्ग के हैं उनको हटा देते हैं और उनकी संपत्ति को बराबर बराबर बांट लेते हैं और एक नई शासन व्यवस्था होती है कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद में कोई गरीब अमीर नहीं होगा। तो ये विद्वान ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी दी थी, याद रखना है, और उसके बाद उस थ्योरी को वास्तव में रियल में अपनाने वाले विद्वान हैं, इन्होंने अपने देश में
कम्युनिस्ट स्थापित कर लिया, कम्युनिज्म स्थापित कर लिया, जो मार्क्स की थ्योरी को रियल में अपना लिया, अपने देश में लागू कर दिया। ठीक है, तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट ए यूनिक फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। ये एक अलग डेमोक्रेसी की एक अनोखी फॉर्म है, क्योंकि विच इज ए टाइप ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, ये अपनी प्रकृति के आधार पर ही लोकतंत्र होती है। ठीक है, बट द मार्क्सिस्ट हैव प्रेफरेंस टू एड्रेस टू इट्स पीपल्स डेमोक्रेसी। ये द मार्क्सिस्ट इसको क्या कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं। पीपल्स डेमोक्रेसी यानी लोगों का शासन, इसको लोगों की लोगों का शासन क्यों हुआ, कोई हरी भरी नहीं। द मार्क्सिस्ट थ्योरी इज अ विजिबल इन द बिलीव ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजेल्स। ये थ्योरी किसके विचार में मिलती है, कार्ल मार्क्स के और एंजेल्स के विचार। ठीक है, ये हो गई चौथी थ्योरी द मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो आज की क्लास में हमने वेरियस थ्योरीज ऑफ द कांसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा, उसमें से हमने फर्स्ट जो है कल चर्चा करनी थी ट्रेडिशनल लिबरल लिबर्टी थ्योरी पर। उसके बाद हमने आज तीन थ्योरीज पढ़ी है, होलिस्टिक थ्योरी, डायलेक्टिक थ्योरी और द मार्क्सिस्ट थ्योरी। होलिस्टिक थ्योरी यानी बहुलवादी सिद्धांत लोकतंत्र का, जो मान के चलता है कि हमेशा होलिस्टिक अन्य संस्थाओं की तरह राज्य भी एक संस्था है। डायलेक्टिक थ्योरी मान के चलती है समाज में हमेशा अभिजय पद का शासन होता है बड़े लोगों का, और द मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि समाज में हमेशा पूंजीपतियों का शासन होता है, वो पूंजी उनका शोषण करते हैं। इस तरह की चार थ्योरी हमने आज पढ़ी है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।